हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा जीके का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। एक टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जितने ही बनते हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 11। आज जो प्रैक्टिस सेट का टॉपिक है वो है कृषि और पशुपालन, ठीक है। कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसानों की आय और मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने हेतु किस कृषि प्रणाली को लागू किया जा रहा है? तो ये कृषि प्रणाली है पुनः जलीय कृषि प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद, हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्ति शाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? तो ये क्या है, झज्जर के अंदर, ठीक है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार हरियाणा में कुल पशुधन कितना है? तो हरियाणा है 71.02 लाख, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? ये की जाती है आम की। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है करनाल के अंदर। हरियाणा में पशु भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला किस जिले में है? ये आपकी कहाँ पे, हिसार के अंदर, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो बात करें यहाँ पे महेंद्रगढ़ जिले को छोड़ के बाकी आम यमुनानगर में भी होते हैं, करनाल में भी और कुरुक्षेत्र में भी होते हैं, ठीक है। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं मुर्रा में इसको, ठीक है। हरियाणा के मिर्च उत्पादन करने वाले जिलों का समूह कौन सा है? मिर्च सबसे ज़्यादा जहाँ होती है वो होती है यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, जींद, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिर्च होती है। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में पालतू पशु केंद्र से प्रशिक्षण चिकित्सा स्थित है? ये आपकी पंचकूला के अंदर, ठीक है। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? कौन से खाद्यान्न की होती है? देखिए, गन्ने की भी होती है, गेहूं की भी और चावल की भी, तीनों की होती है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा चना जहाँ पे उगता है वो आपका भिवानी, ठीक है। रब्बी फसल को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रब्बी फसल जो है उसको बोलते हैं आषाढ़ी फसल, ठीक है। उसके बाद है, जुलाई 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो देखिए, यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बिल्कुल सही है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। भेड़, बकरी और सूरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर वो सभी हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया? ये किया गया आपका किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके द्वारा, ठीक है। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये स्थित है हिसार के अंदर। अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला प्रसिद्ध आपका आम के लिए, ठीक है। वर्ष 1966-67 के दौरान हरियाणा का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने टन था? उस समय था आपका 25.92 लाख टन, ठीक है। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? खुम्बी के उत्पादन में है सोनीपत, ठीक है। किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? हरियाणा का प्रथम स्थान है जो मशरूम है इसके उत्पादन में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, मशरूम। संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से उर्वरकों का भंडारण एवं वितरण योजना कब क्रियान्वित की गई? ये की गई आपकी 2006-07 में, ठीक है। उसके बाद है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एनडी
RRI इसको बोलते हैं, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है करनाल के अंदर। उसके बाद है NDRI जो है मुख्यालय करनाल में किस वर्ष स्थानांतरित हुआ? करनाल में आया था ये कब? 1955 के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताया था हमने इससे पहले भी, ये है आपका हिसार में। कुल खाद्यान्न उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? खाद्यान्न उत्पादन की बात है तो इसमें रखती है गेहूँ। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? कब किया गया था? 1955 के अंदर। उपोषण कटिबंध या फल उत्कृष्टता के अंदर कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? यह स्थित है आपका हिसार जिले में, ठीक है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? पहले ही बता चुके हैं। फार्म की बात है कहाँ पे है? करनाल के अंदर, ठीक है। पशुपालन की बात करें तो हिसार के अंदर पशुओं का है, ठीक है। दुग्ध के लिए कौन सा है? करनाल। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है, तो किसका है? गेहूं का। राज्य में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण है तो हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष हुई? 1967 में। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? जो PM किसान योजना है उसके लिए कितनी राशि दी जाएगी? साल के 6000, ठीक है। 4 महीने में 1 किस्त आती है 2000 रुपये की, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में बोरसैदन किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो बोरसैदन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है। निम्न में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? इनमें से मुख्य नहीं है वो बतानी है आपने, देखिए गेहूं भी है, चावल भी है, गन्ना भी है, चाय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के अम्बाला जिले में किस सब्जी की खेती की जाती है? किसकी होती है? आलू की। हरियाणा प्रदेश में बागवानी फसलों के क्षेत्र में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? बागवानी में सबसे अधिक होती है सब्जी की। गेहूं की खेती के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? गेहूं की खेती के लिए देखिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए और समतल धरातल होना चाहिए, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में गन्ने की खेती के लिए कौन सी अनुकूल दशाएँ विद्यमान हैं? तो इसके लिए देखिए उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, ठीक है, तीनों होनी चाहिए, तो ये सभी हो जाएगा इसका भी। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये किया गया है 2 में, ठीक है। हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है पानीपत के अंदर। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।